morning, children. Hope you all are fine and good. बच्चों, last week को हमने कौन सा project देखा? My home. House किसे कहते हैं? A house is a place made for people to live. जहाँ पर हम अपनी family के साथ रहते हैं, उसे होम कहते हैं. हमें हाउस क्यों चाहिए? आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, हीट, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, स्नो, है ना? ये सब से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? हाउस. हाउस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे ये हट है, ये हाउस मर, वुड, स्टोन, ड्राई लीव्स से बनाया जाता है. ये बाम्बू हाउस, ये बाम्बू से बनाया जाता है चिल्ड्रन. ये वुड हाउस, ये वुड से बनाया जाता है. ये टेंट, टेंट क्लोथ्स और कैनवास से बनाया जाता है. ये हाउस बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस. ये टेनामेंट, बंगलोज, अपार्टमेंट, ये जो होते हैं वो पक्का हाउस कहते हैं. ये किससे बनता है? ब्रिक्स, आयरन रोड्स, सीमेंट, ये सब चीज़ों से बनाया जाता है, इसीलिए वो परमानेंट हाउस होते हैं. ये हाउसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, यू कैन नॉट बी मूव. ये इग्लू है, ये स्नो के ब्लॉक से बनाया जाता है, इसे स्नो हाउस भी कहते हैं. ये ट्री हाउस, ये ट्री पे बनाया जाता है. ये बोट हाउस है, ये हमें ज़्यादातर केरला में दिखते हैं. ऐसे चिल्ड्रन बहुत डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस होते हैं. कंफर्टेबली रहने के लिए हम सबको क्या चाहिए चिल्ड्रन? हाउस. चिल्ड्रन, नाउ टेक आउट योर एंजॉय एंड लर्न वाली एनवायरमेंटल स्टडीज वाली बुक निकालेंगे. ओपन योर बुक. वेरी गुड. पेज नंबर 7. हमें आज क्या करना है चिल्ड्रन? कलरिंग. यस, कलर दिस ब्यूटीफुल होम. हमें ये अपने घर में कलर करना है. पहले डेट लगा ले चिल्ड्रन. 3/0/30/7/2021. ओके, अभी हमें कलरिंग करना है. हम कौन सा कलर करेंगे बोलो जल्दी से. रुख में हम ब्राउन ब्राउन कलर करते हैं. ओके, चलो पहले रूफ बना देते हैं, है ना? हमारे हाउस में रूफ तो होना चाहिए, नहीं तो बारिश गिरेगी तो हम क्या हो जाएंगे? गीले. आपको जो कलर करना है वो करना, पर मैडम ये कलर ब्राउन कलर कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हो, है ना? हाउस रे हाउस, हाउस रे हाउस, के ऊंचे हाउस, के ऊंचे हाउस, मस्त मस्त हाउस. हमारा रूफ में कलर हो गया चिल्ड्रन. अभी हम किस में कलर करेंगे? वॉल में कर दे चिल्ड्रन. ओके, वॉल में हम कौन सा कलर करेंगे? येल्लो येल्लो वॉल बना दे, है ना? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वॉल में कलर करने का. हमारा तो येल्लो येल्लो कलर का
होम है। वाह भाई वाह। चिल्ड्रन, आपके घर की वॉल कौन से कलर की है? अंदर की और अलग कलर होगा और बाहर की और अलग कलर होगा, है ना? हमारा घर का कलर बाहर की ओर से अलग होता है और अंदर की रूम्स के कलर्स अलग होते हैं, है ना? वॉल पे आप लोग क्या स्क्रिबलिंग करते हो? नहीं, वॉल ऊपर लखाए लीटा पड़ाए? ना ना, गंदा गंदा हाथ लगावाए? ना भाई ना, एवू करिए तो आपणो घर केवू थई जाए? गंदू गंदू। आपणा घरने तो चोख्खू चोख्खू राखवानू छे, એટલે આપણે તેવું કરીશું નહીં, ઓકે? આપણો ઘરનો વોલનો કલર કમ્પ્લીટ થઈ ગયો ચિલ્ડ્રન. હવે શું છે? ડોર. હમ ડોર કા કલર કૌન સા કરેંગે? હમ ડોર બ્લુ કલર કા બનાતે હૈ ચિલ્ડ્રન. ચલો, ઘર મેં ડોર હોના ચાહીએ. अगर डोर नहीं होगा तो हमारे घर में सेफ्टी नहीं रहेगी, है ना? कोई भी अंदर आ जाएगा, अंदर एनिमल्स भी आ जाएंगे, बहुत डस्ट भी आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? डोर को बंद करके रखेंगे, है ना? ये हमारा डोर में कलर हो गया चिल्ड्रन. आपके घर का डोर का कलर कौन सा है देखो तो, वो भी आप कर सकते हो, है ना? अभी हम विंडो में कलर करते हैं. विंडो वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी होता है. हमारे घर की एयर फ्रेश रहती है अगर हम विंडो को खोल कर रखते हैं तो, है ना? ये विंडो में भी हमारा कलर कंप्लीट हो गया चिल्ड्रन. अभी हम क्या करेंगे? नीचे देखो बुशिश हो गए हैं तो हम उसमें ग्रीन ग्रीन कलर करते हैं. आपके घर में भी आजू बाजू सब प्लांट्स लगाए हैं गमले में, ऐसे नीचे ज़मीन के अंदर डाले हैं प्लांट्स मम्मी ने? आप लोग पानी देते हो चिल्ड्रन? देना चाहिए, उससे हमारी प्लांट से हमारी घर के आजू बाजू की जो एयर होती है वो भी क्लीन रहती है चिल्ड्रन, और ब्यूटीफुल भी लगता है हमारा घर, है ना? ये उधर बुशेस थे उसमें भी हमने कलर कर दिया. हमारा कलर हो गया चिल्ड्रन देखो. अभी हमको नीचे की ये बॉर्डर में कलर करना है. कौन सा कलर करेंगे हम? रेड रेड कलर कर दे चिल्ड्रन. ओके, अगर आपका कलर बाहर जाता है नो प्रॉब्लम, पर खुद ही करने का है. मम्मी लोग नहीं करेंगे, ना ही अपनी बड़ी दीदी करेगी और भैया भी नहीं करेंगे, हमको खुद करना है, है ना? ये भी हो गया, हमारा घर कंप्लीट हो गया चिल्ड्रन. रूफ, विंडो, डोर, वॉल, ये आजू बाजू जो छोटे छोटे प्लांट्स है बुशेस है उसमें भी कलर कर दिया चिल्ड्रन हमने तो, है ना? हमारा घर कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल, है ना? और हमको घर में रहने में भी मज़ा आती है ना. हाँ, अभी हमें उसमें आउटलाइन करना है चिल्ड्रन, है ना? हम
उससे ब्लैक कलर का भी कर सकते हैं और आप जो चाहो वो कलर लेकर भी आप कर सकते हो। ओके, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, है ना, ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन। अभी विंडो ड्रॉ करते हैं हम। विंडो कैसी होती है चिल्ड्रन, बोलो। रेक्टेंगल, और डॉर रेक्टेंगल। आपको जैसा आता है वैसा करना, धीरे धीरे करेंगे तो हमारा कलर बाहर नहीं निकलेगा, बॉर्डर पे ही करना है। ओके, ये हमारा आउटलाइन भी कंप्लीट होने को आया, देखो। अभी हमारा होम कैसा दिखता है, मस्त, कैसा दिखता है, मस्त। आप भी मस्त कलर कर देना। ओके चिल्ड्रन, अभी हम स्केच बुक निकालेंगे। स्केच बुक में हमें एक्टिविटी करनी है। ओपन योर स्केच बुक, वेरी गुड। पहले हम क्या लगाएंगे, डेट, चलो 3030 जुलाई महीना 2021। हम हेडिंग लगाएंगे, पेस्ट 3 पिक्चर्स ऑफ अल्फाबेट ए, पेस्ट 3 पिक्चर्स ऑफ अल्फाबेट ए। हमें अल्फाबेट ए के 3 पिक्चर्स लगाने हैं। ओके, हमने अल्फाबेट ए सीखा, अभी हमको ए लिखना आ गया है। हम अपने आप से क्या करेंगे, अल्फाबेट ए लिखेंगे, कहाँ पर, ये साइड पे। ओके, अल्फाबेट ए कैसे लिखते हैं, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और बाजू के साइड में हम क्या लिखेंगे, स्मॉल ए, कर्व करके स्टैंडिंग लाइन, अल्फाबेट ए। अगर आपको खुद लिखना नहीं आता है तो मम्मी क्या करके देंगे, डॉट, और फिर आप डॉट पे ट्रेसिंग करेंगे, किसे, क्रेयॉन से। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो, पर हम बड़े राइटिंग में क्या लिखेंगे, ए, और उसके रिलेटेड पिक्चर्स हम बाजू में लगाएंगे। हमको पेस्ट करने के लिए क्या चाहिए चिल्ड्रन, फेविकॉल। हम पिक्चर कहाँ से लाएंगे, पर आप ही खुद ढूंढना, कहाँ पर से, मैगजीन्स में थे, न्यूज़पेपर में से, कोई रफ रद्दी बुक हो उसमें से भी आप कट कर सकते हो, है ना। मैडम ने 3 पिक्चर्स ढूंढ के कट करके रखे हैं। ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एप्पल, एंड ए फॉर एंड। आपको जो भी पिक्चर मिले ए रिलेटेड, वो आपको ढूंढना है और बाजू के साइड में पेस्ट करना है, है ना। कौन ढूंढेगा, आप लोग। अभी हम पेस्टिंग करते हैं। ओके, पहले क्या लगाएंगे, गम, फेविकॉल, और बाद में पिक्चर्स के कटआउट लगा देंगे। ओके, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अगर आपके पास ऐसे कटआउट नहीं है, नहीं पिक्चर मिल रहे हैं, तो आपको क्या करने का,
कोई पेज पे ड्रॉ करने का, मम्मी को बोलने का, और वो पिक्चर भी आप लोग कट करके इधर लगा सकते हो। ओके, अभी ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन। अभी हमको थ्री पिक्चर्स लगाने हैं, तो हम तीसरा पिक्चर भी लगा देते हैं। ए फॉर एंड, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एंड। ओके, आपको ये एक्टिविटी स्केच बुक में करनी है चिल्ड्रन। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलते हैं चिल्ड्रन। गुड बाय, टेक केयर।